हर साल बुराई की जीत पर अच्छाई की जीत की याद रूप में फाल्गुन पूर्णिमा यानी का होलिका का दहन किया जाता है। और होली जो है उसे पावन पर्व माना जाता है। और फाल्गुन पूर्णिमा पर भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी की पूजा और व्रत आदि का बहुत ही महत्व है। उस दिन का जितना महत्व फाल्गुन पूर्णिमा पर विष्णु एवं लक्ष्मी जी की पूजा व्रत आदि करने का महत्व है, उतना ही महत्व पौराणिक कथा का पाठ करने का। ये मान्यता है कि ये कथा सुनने से यश, कीर्ति, धन, धान्य और सुख संतान की सुख प्राप्त होता है और मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। महर्षि कश्यप की पुत्री एवं दक्ष की पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष का जन्म हुआ था। दोनों महाबलशाली थे। फलस्वरूप दोनों ने देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था और उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया था। अतः भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और अपने भाई की मृत्यु से जो क्रुद्ध यानी कि गुस्से हुआ हिरण्यकश्यप जो है उसने भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान लिया और उसको उसके उनके साथ प्रतिशोध लेने के लिए वो भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। और इधर हिरण्यकश्यप की अनुस्थिति में जब वो था नहीं वो हिरण्यकश्यप जब था नहीं तब देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण करके फिर से अपना जो स्वर्ग है वो प्राप्त कर लिया। और हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है कयाधु थी वो उस टाइम गर्भवती थी जिसे देवराज ने बंदी बना लिया था और वो कयाधु को लेकर अमरावती यानी कि उनके घर जा रहे थे। और तभी उनको देवऋषि नारद जो है वो मार्ग में मिल जाते हैं और नारद जी उनको कहते हैं कि देवराज आप इसे कहाँ लेके जा रहे हो। इंद्र बोलते हैं कि देवराज ये कयाधु जो वो गर्भवती है उसके पेट में हिरण्यकश्यप का अंश है और वो दुष्टात्मा हो सकता है इसलिए मैं उसका वध कर दूंगा। तब देवर्षि बोलते हैं कि देवर्षि जो है उनको बोलते हैं कि इसमें तो नारायण श्री विष्णु का परम भक्त है उसे छोड़ दो और वो अपने साथ में लेकर कयाधु को अपने आश्रम में ले आते हैं। वहां पे वो उनको बोलते हैं कि जब तक हिरण्यकश्यप की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो जाती तपस्या पूरी नहीं हुई तब तक आप निश्चिंत तो होकर रहो। और उसी तरह कयाधु जो है देवर्षि नारद के आश्रम में रहने लगती है और वो सीधी बात है कि वो जब देवर्षि नारद के साथ रहती है उनके दिव्य प्रवचनों को सुनती है। और हम सब जानते हैं प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड तो जो उनका जो गर्भ था जिसमें जो प्रहलाद रह रहा था वो उसके ऊपर ही भी देवर्षि नारद की सारी चीजों का प्रभाव पड़ा। और जब समय आया तो कयाधु ने जो बेटे का जन्म दिया उसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप भी जब तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने क्या किया ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उसने मनवांछित वरदान प्राप्त लेकर लिया था। वो अभी अपने घर वापस लौट आया था और कयाधु भी अपने पुत्र प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली आई थी। प्रहलाद जब बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया श्रेष्ठ गुरु की मार्गदर्शन की तरह उन्होंने शिक्षा का पूरा प्रबंधन किया। जैसे जैसे प्रहलाद बड़े होते गए उनमें उनकी जो भक्ति है वो धीरे धीरे परवाना चढ़ती गई। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्री के साथ बैठे थे तब प्रहलाद अपने गुरु के साथ आए और अपने पिता यानी कि हिरण्यकश्यप को उन्होंने कृतज्ञ पूर्वक प्रणाम किया। और ये देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुआ और उन्होंने पूछा कि वत्स प्रहलाद तुमने अब तक की शिक्षा के दरम्यान कौन कौन से अच्छी बात सीखी और क्या क्या सीखा मुझे बताओ। और यह सुनकर प्रहलाद ने कहा कि पिताश्री मैंने अब तक ये अच्छी बात सीखी है कि जो आदि है मध्य और अंत से रहित है यानी कि अजन्मा है वो भगवान जो है जो जगत के पालनहार दुर्मुखियों के स्वामी है उन हरि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ये सुनकर हिरण्यकश्यप जो है उसको बहुत ही गुस्सा आया क्योंकि वो बहुत ही अपसेट हो चुका था क्योंकि वो तो भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मान रहे थे और वो अपने जो उनके जो प्रहलाद के गुरु है वो उस पर चिल्लाया और बोले कि मूर्ख ब्राह्मण तूने मेरे जो बेटा है उसको तूने मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी। जब उन्होंने अपने गुरु का अपमान उनके प्रहलाद के गुरु का अपमान किया तो प्रहलाद ने गुरु का स्पर्श लेते हुए अपने पिता को कहा कि देतराज अपनी क्रोध को त्याग दे। और ब्राह्मण ने कहा कि मैंने आपको ये नहीं सिखाई ये जो भक्ति है मैंने जो ये सब सारा नहीं सिखाया। तो हिरण्यकश्यप को आश्चर्य हो गया और बोले कि पुत्र बताओ तुमने ये उपदेश और शिक्षा किसने दी। तो प्रहलाद ने कहा कि मेरे हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही संसार के उपदेशक है और उनके अतिरिक्त मैं किसी और से कुछ नहीं सीखता हूँ। जब उन्होंने बार बार भगवान विष्णु का नाम लिया तो हिरण्यकश्यप उसका क्रोध पागल हो चुका था क्रोध से और उसने बोला कि मूर्ख
मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू बार बार इसका नाम क्यों ले रहा है और क्या तू उसका परिणाम भी जानता है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भूत समझाने की कोशिश की, उसको मृत्यु दंड का भय दिखा के डराने की भी कोशिश की, भगवान विष्णु से दूर करना चाहा, बट भगवान अब की जो प्रहलाद के अंदर श्रद्धा, प्रहलाद की जो भगवान के अंदर श्रद्धा थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, और उस जैसे जैसे वो उनकी श्रद्धा बढ़ती जाती थी वैसे वैसे ही हिरण्यकश्यप का क्रोध भी बढ़ता जाता था। उसने क्रोधित होकर अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इस दुरात्मा यानी कि अपने बेटे को वो मान रहा था प्रहलाद, उनको मौत के घाट उतार दो, क्योंकि उनका मानना था कि उसका जो बेटा है वो शत्रु प्रेमी है और उसे उसे कोई लाभ नहीं है, और ये कपूत जो है वो अपने ही कुल का नाश कर देगा। और हिरण्यकश्यप की आज्ञा को मान के उसके सैनिक जो राक्षस थे उन्होंने बहुत तरह के अत्याचार किए और उसको मारने की कोशिश की। और आप सब जानते हैं कि जो होली है उसके आगे का जो दिन है, आगे का एक पखवाड़ा है जो उसे जो है वो लास्ट तक बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये होली के अगले 7 पहले के 7 दिन भक्त प्रहलाद पे बहुत तरह के जुल्म ढाए गए, उसको तरह तरह से प्रताड़ने की कोशिश की गई और उसको डराने की कोशिश की, उसको बहुत ही परेशान किया, बट वो भगवान विष्णु की कृपा से उनका प्रहलाद का एक बाल भी बाका न कर पा, उसे पहाड़ियों से फेंका गया, उसे तरह तरह से आप जो सोच भी नहीं सकते आज की तारीख में ऐसे सारे जो दंड है उसे दिए गए। और जब ये कुछ भी नहीं हुआ तब जो हिरण्यकश्यप था उसका क्रोध अति से बढ़ गया और उसने अपनी बहन जो है होलिका उसका सपोर्ट मांगा। जो होलिका है उसको भगवान अग्निदेव से वरदान प्राप्त था कि वो उसे अग्नि कुछ नहीं होगी, पर जब उसने अपने ब्रदर की मदद करनी चाहे तो उसने ये सोचा, ये युक्ति बनाई कि वो प्रहलाद को लेकर अपनी गोदी में बैठ जाएगी और फिर अग्नि जला देगी। जब वो अग्नि पूरी जलने लगेगी, क्योंकि होलिका को वरदान था इसलिए उसे कुछ नहीं होगा और प्रहलाद जो है वो जलकर मर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। जब वो होली जलाई, होली जलाई और उसमें होलिका बैठ गई और अग्नि जब दी गई तो प्रहलाद जो है अपने दोनों हाथ लगा के भगवान विष्णु की पूजा करने लगे, उनके ध्यान में मग्न हो रहे हैं और वो नारायण नारायण करते रहे। और जब वो नारायण नारायण करते रहे तो क्या हुआ कि जो काल है उसने अपना काम किया, होलिका जिसको अग्नि का वरदान था उसका वरदान फेल हो गया, बट प्रहलाद जिनको भगवान विष्णु का वरदान था उनका उनकी कृपा थी वो बाल बाल बच गए। और जब ये बाल बाल बच गए और दूसरे दिन होलिका जब होली की आग बंद हो गई और लोगों ने देखा कि प्रहलाद तो वहां पे आराम से बैठ के श्रीहरि नारायण के नाम बोल रहे थे तो काफी खुश हुए और उन्होंने जो है खुशियां मनाई। और इसी तरह होलिका की जो प्रथा है वो स्टार्ट हो चुकी है, और सनातन धर्म में फाल्गुन महीना का जो पूर्णिमा है उसी को बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा जो है उसी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन फाल्गुन पूर्णिमा की पूजा करने से जीवन में धन की कमी जो है वो कम हो जाती है और इंसान के पास जरूरत जिंदगी के लिए सफिशियंट मनी जो है वो मिल जाते हैं। और फाल्गुन मास का जो ये पूर्णिमा है वो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होने के साथ उसे ये हमारे जो हिंदू धर्म के जो वर्ष है उसकी उसकी लास्ट मंथ है उसी का आखिरी ये पूर्णिमा है, तो ये हिंदू कैलेंडर का अंत का प्रतीक और नए साल की शुरुआत होती है। और फाल्गुन पूर्णिमा को वसंत पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये वसंत ऋतु के साथ मेल खाता है। दक्षिण भारतीयों में दक्षिण भारत के जो राज्य है उसमें फाल्गुन पूर्णिमा को काम दहन के रूप में भी मनाया जाता है, काम दहन की रस्में भी होलिका दहन के समान ही है। और तमिलनाडु में जो है ये त्योहार पोंडिंग के नाम से भी मनाया जाता है, तेलंगाना और आंध्र में ये कामोनी पोंडिका के नाम से भी मनाया जाता है, डोल पूर्णिमा का त्योहार पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में फाल्गुन पूर्णिमा के दरमियान मनाया जाता है। डोल पूर्णिमा भगवान कृष्ण को समर्पित है, भगवान कृष्ण की 12 सड़कों से होकर निकाली जाती है और जहाँ पे भक्त भगवान कृष्ण के साथ होली खेलते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु की जयंती के साथ भी मेल खाती है और इसीलिए फाल्गुन पूर्णिमा गौंडीय वैष्णव संप्रदाय के लिए भी बहुत ही उत्तम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वसंत ऋतु या फाल्गुन पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी है कि उस दिन बहुत सारे लोग जो है पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण की पूजा करते हैं जिससे उनको सुख समृद्धि और खुशहाली मिले। और पूर्णिमा के विशेष अवसर पर शादी के पहले या शादी के बाद संपत्ति की जो कोई खरीदी है ये सारे चीज की जाती है, इसी को ईश्वर का धन्यवाद देने का एक प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा की पूजा, पूर्णिमा के दिन मेडिटेशन, पूर्णिमा के दिन
हाँ, जो हमारे क्रिस्टल्स है, अगर आप क्रिस्टल यूज करते हैं तो उसकी एक्टिवेशन, ये सारी चीज बहुत ही मदद करती है। आप सबको पता है कि जो भक्त होते हैं पूर्णिमा के दिन उपवास करते हैं, या तो आंशिक उपवास करते हैं, और अपने व्रत के दिन वो जो फल है, यानी कि लिक्विड फ्रूट है, दूध जूस है और पानी यूज करते हैं। और इसी दिन जो भक्त हैं उनको नमक, गेहूं, दाल, चावल खाने के लिए मना किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, सत्यनारायण भगवान की भी पूजा करते हैं कई लोग, और भगवान विष्णु के साथ साथ गणेश भगवान की भी पूजा की जाती है। और पूर्णिमा के जो व्रत है उसके बाद में लोग हल्का प्रसाद और भोजन लेते हैं, और विष्णु के मंदिर जाते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। और ये भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के अनुष्ठान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, और अन्य देवताओं का भी आह्वान किया जाता है, और महामृत्युंजय जप का हवन भी करते हैं। कई लोग जो आज पूरे दिन और आज जो रात है उस भगवान विष्णु के ओम नमो नारायण नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं मेघवर्णं सुपांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विज्ञानं गमनं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकेनाथं। ये मंत्र का जाप करते हैं। उसके सिवा लोग मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुण ध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, ये मंत्र का भी चैंटिंग करते हैं। माता लक्ष्मी के भी मंत्र को लोग यहाँ पे चैंटिंग करते हैं। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भयो नमः, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि, ये मंत्र का चैंटिंग करते हैं। कई लोग जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो लोग क्या करते हैं, साउंड बोल का यूज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ड्रम म्यूजिक बजाते हैं। तो थोड़ी देर में हम दूसरा वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे जहाँ पे साउंड बोल हीलिंग, यानी कि साउंड वाइब्रेशन हीलिंग जो है, तिब्बतन साउंड बोल है, उसको यूज करके हम लोग हमारी पूर्णिमा की साउंड बोल हीलिंग करेंगे। अगर आप क्रिस्टल यूज करते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग यहाँ पे हमारे पास जितने भी क्रिस्टल्स है, जितने भी क्रिस्टल्स हम लोग यहाँ पे रखते हैं हमारे घर पे, वो सारे को एक्टिवेट करते हैं। कंटिन्यूस मंत्र चैंटिंग चलता रहता है और ये सारे जो क्रिस्टल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि जब अच्छे इंटेंशन के साथ, अच्छे मुहूर्त के साथ जब हम प्रेयर करते हैं तो वो वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स में फैलती है। और अभी हम लोग जो है थोड़ी देर में ऑनलाइन मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, चक्रा साउंड बॉल हीलिंग मेडिटेशन वो स्टार्ट करेंगे, कुछ अफर्मेशन भी बोलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, उसको स्टार्ट करेंगे हम थोड़ी देर में। थैंक यू।